हेलो सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज वीडियो में हम एक ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है GTX 1050। इस ग्राफिक कार्ड पर मैं वीडियो बना चुका हूँ लेकिन वो 2GB वाले वेरिएंट की थी, तो अब मैं 1GB वाले वेरिएंट में वीडियो बना रहा हूँ जो कि मुझे कहा था किसी लड़के ने वीडियो बनाने पर, तो ये वीडियो हाजिर है। तो फिर इस वीडियो में आपको स्पेसिफिकेशन, बेंचमार्क और सब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखने को उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है NVIDIA G4 GTX 1050। और बात करें इस ग्राफिक कार्ड लॉन्च डेट की, तो ये ग्राफिक कार्ड 18 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। और बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की, तो इसका DirectX 12.0 है, शेडर इसका 5.0 है, OpenGL इसका 4.5 है, रेजोल्यूशन 4096x2160 है। अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी इसकी 1GB है, मेमोरी स्पीड इसकी 1250mAh की है, मेमोरी बस की 128 bit है और मेमोरी टाइप इसकी GDDR5 है। बात करें मैक्स पावर की, तो वो 55 watts है, PSU इसके 300 watts और साथ में 18A का चाहिए होता है। अगर हम बात करें इस ग्राफिक कार्ड के बारे में स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेसिफिकेशन इसकी बिल्कुल सेम है GTX 1050 Ti की तरह। वो 2GB वाला वेरिएंट और 1GB वाला वेरिएंट है, खाली यही फ़र्क है। लेकिन जाहिर सी बात है 2GB वाले की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी और 1GB वाले की इतनी अच्छी खास नहीं होगी। लेकिन ये ग्राफिक कार्ड फिर भी आपको वर्क करता है, 2019 के अंदर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। इस ग्राफिक कार्ड की अगर बात करूँ प्राइस रेंज की, तो ये ग्राफिक कार्ड आपको 6000 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट पर ईजिली मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई इसकी प्राइस रेंज और स्पेसिफिकेशंस की। अब चलते हैं बेंचमार्क की तरफ और रहते हैं बेंचमार्क्स के। दोस्तों ने बेंचमार्क देखी होंगे इस ग्राफिक कार्ड के, आपको अंदाजा हो चुका है किस तरह ग्राफिक कार्ड है। अंडर मिरर बिना ग्राफिक कार्ड सही तो है, मगर इसकी जो प्राइस रेंज, जिस प्राइस रेंज में ग्राफिक कार्ड बिक रहा है, उस प्राइस रेंज में के अंदर ही आपको GTX 1050 मिल जाएगा जो कि 5000 रुपये तक का मिलता है। और दोनों की परफॉर्मेंस तकरीबन सेम ही है, तो मैं रिकमेंड करूँगा वही ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं 5000 रुपये में। लेकिन आप 1050 Ti जरूर बाय कर सकते हैं। अगर आप 6000 का ये खरीद सकते हैं, तो इसमें ही 1000 मिलाकर आप 1050 Ti खरीद लें 7000 रुपये वाला। तो बस आज इतना ही, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूम मिलोगी इस ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।